भाई ये देखो यार, ये चूहा ना फंस गया, मगर अब ये मेला पिक्चर का गुज्जर, मैं तेरे कच्चा चबा जाऊंगा भैया। हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू व्लॉग। और ये शुरुआत हो चुकी है आज के व्लॉग की। ए बैलूस भोलू, नीचे क्यों गिरा रहा है? खा ले इज्जत से, चला ले। तुझे तो खेलने के लिए एक आदमी चाहिए। गाइस अब क्या है कि थोड़ा जो फ्लावर कटिंग होती तो उसकी कटिंग करनी पड़ रही है। तो वेयर इज वेपन, वेपन भाई तुम किधर हो? सांवरिया में, इधर से ये कटेगा। हम आ जाएंगे ना पूजा के। पूजा तो हो गई सुबह 6 बजे, 10 बजे ये हमारी पूजा होगी ना अभी। ओहो, संजीवनी बूटी पर्वत तो ये जाएगा यहाँ कबाड़ के ढेर में, सब में आग लगेगी। मतलब आती पहले दिन इतना डंडा की सफाई करो, ये करो, वो करो, इधर जाओ उधर जाओ। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा खुला खुला सा लगेगा ना, पूरा छोटा मोटा कूड़ कबाड़ सब साफ। आ जा भाई तू भी आ। तो भाई भाई चलो टीटी, खुल गई नींद तेरी, आ आ जा। क्या हो गया, क्या हो गया? चौकीदारी करी थी रात, आलस्य आलस्य। दांत दिखा, दांत माजे, ये करो, ये तो बदबू का ही कह रही मुंह से हैं। चल सो जा। पानी 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 लाऊं? चल अंदर घुस जा पार्किंग में अपनी। टाइम 9:20, कहाँ घूम रहा हो कुत्ता? अब काले रंग का होगा वो, हाँ वो कोई नहीं, देख लेंगे उसे। माई फ्रेंड्स, दिस इज आवर काव हाउस। और ये अपना पूरा वेपन का शोरूम है भाई, यहाँ एक से एक हथियार रखे रहते हैं खेतों के, इधर उधर सब जगह के। गर्मी बहुत हो गई गाइस आज, मतलब बहुत दिनों बाद ना इतना हार्ड वर्क, देहरादून में भी इतना हार्ड वर्क नहीं था जितना यहाँ है, क्योंकि यहाँ पे गए बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो तो गाइस अब यहाँ होगी सफाई। ये हमारा शोरूम, मिनी शोरूम, टी शर्ट प्रिंटेड हब, कस्टम जोन। यार बहुत दिनों से नहीं था ना यहाँ पे, तो काम वगैरह सब रुके हुए थे, देख रहा हूँ। तो इस पर्पस का काम करता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन होलसेल रिटेलर, जहाँ से मर्जी पैसा हाथ लग जाए, बस पैसा आना चाहिए गाइस। सो अपना ये देखो कार्यक्रम पूरा, अच्छा खासा जॉब करते थे यार पहले। यार जॉब में मतलब तनख्वाह में क्या था कि गाइस हम किस्त दे पा रहे थे, बिल जमा हो जा रहे थे, ईएमआई चली जा रही थी, भाई यही था। मगर सिस्टम में जम गई धूल, पूरा धूल 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 धूल, देखो मशीनें भी धूल से, देख रहे हो कैसे उंगली का फिंगर का निशान पड़ गया। मोटर मोटर मोटर। तो गाइस ये अपनी मिनी गार्डनिंग भाई, धूल धक्का ले, BMW के टायर पूरा। यार बहुत दिनों से नहीं था तो सफाई नहीं हो पाई, पूरा धूल धक्कड़ ऐसा हो जाए यहाँ पूछो मत। ऐसे काम बहुत करने पड़ते हैं यार, कि बच्चे आते हैं, बच्चों से थोड़ा लगाव है, तो भैया पतंग ले आना, तो पतंग भी ला के रखें। बाकी प्रभु की दया से सही चल रहा है, मेरे को कोई आपत्ति टेंशन वगैरह इत्यादि ऐसा कुछ नहीं है। छल कपट लोगों को तो मैं लात मार के बहुत दूर रखता हूँ। ये देखो भाई पूरे रोड की धूल बिठानी पड़ेगी ना थोड़ी थोड़ी। पानी पिएगी? पानी रुक जा, दे रहा हूँ। ए रानी क्या हुई बा, बोबा क्या हुई बा, कहाँ जाई वो? गाइस अभी आपको हम शक्तिमान दिखाते हैं, शक्तिमान। क्या हो गया ये फौजी, क्या है ऊपर को ऊपर हैंगर? अच्छा क्या हो गया, हैं क्या हुई? हाथ तो नहीं,
नए कपड़े सावास। तो गाइस अपना थोड़ा सा शेयर मार्केट और काम करना है, उसके बाद नहाना है धोना है, फिर मंदिर वगैरह जाएंगे, पूजा पाठ करनी है, बहुत काम है आज। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। हे गणेश आनंद, वाओ, हाँ पूरा आ रहा, छोड़ दूं इसे उधर ले जाके। अरे अरे मारो मत ना भाई। ये देखो यार, ये चूहा ना फंस गया, मगर अब ये होते ना ये इसे निमटा देते। ओए 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 ओए, काटियो मत काटियो मत। तो इसे हम मारेंगे नहीं, ये गणेश जी की सवारी है, मैं बहुत पसंद करता हूँ, बोलो तो मेरी मिनी फॉर्चूनर। तो इनको ना हम थोड़ा इधर को कहीं आउट लोकेशन पे इन्हें हम ड्रॉप कर देंगे। तो हे गणेश जी, ना 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 रुको बच्चे, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, जाओ जा शाबाश जा, चले जा बस। गणेश जी को राम राम कहती हो मेरी। तो गाइस इन्हें ना मारना नहीं चाहिए, हाँ मैंने छोड़ दिया हो। अरे हाँ, यहाँ नहर टाप के कैसा आ जाएगा, इतनी बड़ी तो नहर है ये है? इसे भी अगर टाप का आ गया छोटा सा तो चूहा है वो। उम्र कितनी हो गई अम्मा, कितने साल की हो गई? कौन? अच्छा जी, गांधी जी होंगे, गांधी जी 155 साल के हो गए कल। हेलो कर, मोती हो गया होगा हैं? मोती कौन? मोती मोताड़ू, मोताड़ू मोदी जी, जिंदाबाद मोदी जी। हाँ जरा गौर से देखिए इस मासूम चेहरे को, बहुत खौफ भरेला भाई अंदर। नेहरू दीदी, जीजा जी, लली बुआ, दीपा बुआ, चंकी भैया, भाभी, चाचा चाची, सोमवार नोमी, काशीपुर ताऊ, पिंकी दीदी, सब देख लो भैया अम्मा को। चलो काम करो, तो बात नहीं करते। हाँ बात नहीं, देख के क्या करेंगे, देख के नमस्कार कर देंगे ना। अरे कोई नहीं करता, फिर ना लौंडा करता ना वो करते नाते नहीं करते। तो सपने में आइयो ना फिर भूत बन गए इनके, भूत तो बनना ही पड़ेगा, जो साथ देगा उसी को साथ देना है, बाकी को चिपट जाना है बाहर में। हाँ हेलो हेलो अमा भो टाटा कर दो है? ये कौन है वो देख, नहीं जाएंगे वो कंपनी जाएंगे ना पूजा करने के लिए। वो देखो वो आ गया तेरा यहाँ, कालू मदारी, कालू मदारी आया, आया कालू मदारी। दिस इज ताजा पानी हमारे गांव में आता रहता है एकदम बोरिंग का फ्रेश, तो उसी में नहाने वाले हैं। इसमें आ रहा है गाइस, एकदम बिंदास नहा दोगे, एकदम सो रेडी है तुम्हारा भाई, बहुत मतलब काफ़ी समय के बाद जो घर का पानी मिलता है ना, तो बहुत अमेजिंग था। नहाने में इतना मज़ा आया, मैं मतलब कम से कम 15 मिनट से नहा रहा था, बहुत पानी बर्बाद कर दिया है नहाने में। तो गाइस आ चुका है मेरा नाश्ता, ये भिंडी की सब्जी है, चाय है और इंजॉय है। आओ भाई नाश्ता कर लो फटाफट आके ना, एक दोहरे से सब। बाद में मत कहना कि राठी भाई आप व्लॉग बनाते हो, वीडियो बनाते हो, आप नाश्ते के लिए नहीं पूछते, पर आपकी सबसे गंदी बात यह वीडियो लाइक नहीं करता हुआ, ऐसा कोई मत करो यार, आई डोंट केयर। मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि अपन को पैसा मिलेगा, अबे पैदा तो मैं करोड़पति और अमीर खानदान में हो रखा हूँ, बट वीडियो इसलिए बनानी पड़ती है कि जब हम नहीं रहेंगे ना इस दुनिया में, तब हमारी वीडियोज़ रहेंगी कि भाई ये व्यक्ति ऐसा दिखता था, या इसका ये दिन ऐसा गया, इसने ऐसा ऐसा स्ट्रगल करा, मौज मस्ती, तो इन सारी चीज़ों से ताल्लुका रखता है। तो डिस्क्रिप्शन बनाऊंगा जब मैं बहुत तगड़ा वाला, फिर आप कहेंगे कि हाँ यार हाँ कि ये बंदा वाकई में पैसों के लिए काम नहीं, पैसा कितना चाहिए तोल देंगे भाई साहब। तेरे को भी अंदर बांधू, चल हट जा पीछे को हट, शाबाश मेरे बच्चे। अरे मारना नहीं है, मारना नहीं है भाई। चला पानी पिएगा चल, बहुत गर्मी लग रही है ना तेरे को। तो गाइस ये हमारा भोलू देख रहे हैं भाई साहब, तो ये भी पानी मतलब अब क्या है, घाम चमक रहा ना, तो इन्हें टाइम पे पानी पिला के अंदर बांधना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सारा इक्वलाइजेशन का नियम है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो एक जानवर को भी खाना खिलाना पड़ेगा, बट दिस इज़ नॉट एनिमल, दिस इज़ माई फ्रेंड भोलू। अब ओह खींच के लिए आ रहा, अंदर 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 अंदर, यहाँ
चाचा यहाँ हो। अरे इधर आना, फिर वो बड़े वाले अंकल को लेकर आऊंगा मैं। चल यहाँ बैठ जा, लड़ाई मत करना भैया के साथ, ठीक है? मैं तो ऐसे करके पिटाई कर दूंगा तेरी। हाँ हाँ मार, मारो मारो। अभी देखना गाइस, दांत दिखाओ, दांत दिखाओ। चल आओ आओ। ब्राउनी तू क्या कर रही है, इधर आ। चलो सर पानी पियेंगे। सर तो ये हमारे बड़े सर हैं, मक्खियाँ कितनी लग रही इन पे। दिस इज ओरिजिनल नंदी महाराज अपग्रेड वर्जन के साथ, दो दो सींग। अगर किसी के सींग दिए डाला तो उसका लाइफ जिंगा लाला हो जाएगा गुरु। तो गाइस देखो, गांव का आदमी भयंकर फुल मौत लेनी चाहिए, कौन क्या हमारे सामने है, मौका आने पर सब बता देंगे। तो गाइस आज पंचर बाइक की राइड, बहुत दिनों में मेरी गाड़ी स्टार्ट होने जा रही है। लुक वाइज मॉडल मेरा जान है ये गाड़ी। तो गाइस ये मंदिर आ चुके हैं, मतलब जो हमारी कुल देवी का मंदिर होता ना, तो आज पहला नवरात्रा है। तो हालांकि इधर मतलब मंदिर में कुछ अभी गांव में कुछ ऐसा वो चल रहा है कि मतलब मंदिर में नहीं जा सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि बच्चे वगैरह पैदा हुए हैं दो तीन। तो ये हमारी कुल देवी श्रीमती हमारी काली माता जी का मंदिर है। सो गाइस दर्शन वगैरह हो गए हैं, फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं। तो ये काली माता के मंदिर के बगल में कहते हैं कि भैरव जी का भी मंदिर होता ना, तो ये वही मंदिर है, तो यहाँ पर भी बढ़िया है। तो गाइस फूल के पेड़ देखो कितने अच्छे अच्छे लग रखे हैं ना इनमें, तो शिव जी को बहुत पसंद है भाई वाले फूल ना, ये कनेर का पेड़ है। तो ये तो गाइस धान देखेंगे आप, चावल यहीं से बन के आता है। तो ये देखो पूरी खेती सारी पक चुकी है भाई, एक महीने बाद यहाँ से प्रोडक्शन चल। जो चावल होगा वो हम लोगों के लिए है, जो बाकी का नीचे का वेस्टेज होगा वो गाय बाछी वगैरह खाएंगी। गाइस भाई पहुँच चुके हैं घर और बाइक को कर रहे हैं खड़ा। अरे रे कहाँ को जा रही। हेलो माय ऑल मशीन्स, आज तुम्हारे अंदर करंट दौड़ेगा। तो बिजली का काम कुछ इस प्रकार है, पहले यहाँ पे खिड़कियाँ खोल लेता हूँ। ओह क्या नज़ारा है गाइस, देखेंगे भयंकर हिमालय पर्वत का व्यू, वो देखो सामने। अब गाइस कहते हैं ना तुम दर्जी से सिलवाने के बाद, ये सील मैं भी दूंगा, नाप लेना पड़ेगा मेरे को भी, टेलर बुलाना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर मैं चाहूँ ना, मैं रोज़ ऐसी ऐसी टी शर्ट कपड़े पहन सकता हूँ कि भाई कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हम खुद निर्माता हैं। तो इसमें क्या कुछ मॉडिफिकेशन होने, प्रिंट गलत हो गया था, तो जो ये रेड वाली पट्टी है, तो रेड वाली पट्टी की जगह हम ही लगाने वाले हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट भी बहुत होता गाइस, तो ये ऐसे आ जाएगी, तो हमें ये ब्लैक एंड वाइट में चाहिए। गाइस जो ये शीट होती है, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो प्रिंट होता है, कई प्रकार की प्रिंटिंग होती है, बता देना चाहेंगे हम आपको। तो इसमें क्या है गाइस, जो हम यूज़ कर रहे हैं ये है पैट फिल्म में DTF प्रिंट, ठीक। DTF मतलब बोले तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र फैब्रिक, ये होता है। जो एक होता है DTG, वो गारमेंट में डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, सब्लिमेशन, विनाइल। तो इस प्रकार के शीट वगैरह होती है, डार्क पेपर हो गया, लाइट पेपर हो गया। इसे भी एक बार और हम हीट देंगे, जो कि पूरा चिपक जाए बढ़िया करके ढंग से, जो जो छूट रखा है सब कवर हो जाएगा। जब आगे नया एक्सपेरिमेंट करूँगा कुछ, तो वो भी बताऊँगा कि मैं आज क्या करने जा रहा हूँ। अब मोबाइल कैमरा आ गया ना प्रॉपर, बहुत सारी चीज़ें थी भाई, जब बुरा टाइम आदमी का आता ना, ऐसा आता ना उसका बाजा बजाता, दोनों जगह से बजाता है। तो ये देखो भाई ये प्रेस हो गया, और ये ऊपर का स्टिंग ना ये निकाल देंगे। तो ये देखो पूरा परफेक्ट, एकदम बढ़िया बिंदास। मतलब कल के दिन पे गाइस अगर माना हम हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, तुम बूढ़े हो गए ना, तो हम अपने व्लॉग खुद देखेंगे, अबे भाई साहब कि क्या टाइम था यार, हैं कितना संघर्ष था आज, मौज है। गाइस हम दो तीन दिन घर नहीं थे, तो इसके साथ क्या क्या हो गया, भौंक अपने आप को देख बे कुत्ते। सो गाइस ये बैक साइड देखेंगे अब इसकी, तो बैक साइड का जो यहाँ पे लगने वाला है वो इस टाइप का है कुछ, तो ये ऐसे इसमें मिरर में उल्टे में लगेगा ये, तो ये देखिए। तो फिर यहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि ये रेड पट्टी हटा के इसके जगह वाइट वाली, तो हमने छोटे छोटे कट पीस करके रख लिए हैं इस प्रकार के बहुत सारे, तो इसे कुछ इस टाइप से ना एडजस्ट कर लेंगे। मतलब गाइस एक तरीके से बोला जाए ना, अगर आपको टेक्सटाइल में काम करना है तो आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सो गाइस यार बहुत लग गई थक, प्राण निकल गए भाई साहब, ओहो
अभी थोड़ी बहुत और रह गई गाइस, वो भी करनी है यार। आलस नींद, मतलब वहाँ गर्मी है ना ऊपर टीन शेड के नीचे। तक घर वाले आते हैं तब तक मूंगफली में हाथ साफ कर लो गाइस। भवनी, तूने मेरे को देखा है, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। ले मूंगफली ले, आ जा, मूंगफली दे रहा हूँ यार, अपना हिस्सा तो ले ले। ऐसे होता गाइस, जब कोई कहीं कुछ पकड़ लेना तो तुरंत उसे खरीद डालो, रिश्वत दो। उन्होंने कहा भाई बता, तू देख लो, कुत्ते को हमने मूंगफली दिया भी किसी से बोलेगा नहीं कि राठी भाई अकेले अकेले मूंगफली पेल रहे थे अंदर। गाइस खाने में बना आज कढ़ी चावल, जहाँ तक कि मेरे को आइडिया है। तो कढ़ी बोलो तो मतलब उत्तराखंड की फेवरेट डिश, तेरे को भी देंगे यार। अभी इसको देख के तो ऐसा लग रहा ना जैसे मेला पिक्चर का गुज्जर। अबे तेरा करा कि नहीं है उलिया ऐसा मेला पिक्चर का गुज्जर, मैं तुझे कच्चा चबा चबाऊंगा भैया, इसकी माँ का बेटा है। अरे हमसे सीख लो भाई साहब, हमने भंडारे भंडोरे पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या खाना बना दिया होगा यार। हम भी साफ, ये धुआं कहाँ से आ रहा है यार। खाना खा लिया, शाम के बज चुके हैं भाई, टाइम 4:30 हो गए। तो गाइस आज हम बनाएंगे सौंफ वाली चाय। तो मैंने इसमें चीनी, चाय पत्ती, सौंफ डाली, जो हरी वाली सौंफ होती ना। चलिए भाई, डोली चाय वाला की तरह आ गई अपनी उत्तराखंडी चाय, डल चुका है दूध। फाइनली गाइस चाय लेकर के हम आ चुके हैं। अब क्या है, जो पेंडिंग वर्क है ना, जो रेड वाली जो टी शर्ट है, तो ये थोड़ा कंप्लीट कर दूंगा तो फिर मामला आसान हो जाएगा। गाइस शाम के बज चुके 5:30, काम पूरा कंप्लीट। टी शर्ट वगैरह सारे कितने 65 पीस थे तो हमने सारे कंप्लीट कर चुके हैं भाई। डबल डबल प्रिंटिंग, छोटी अलग बड़ी अलग, जुगाड़बाजी करके मतलब जैसे तैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। सो मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।